हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। फ्रेंड्स, आज ट्रेड आइडिया के तहत ये एपिसोड नंबर 129 है दोस्तों, और इस ट्रेड आइडिया के तहत हम दो मुख्य बातों को डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को दोस्त अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस चैनल में इस सब्जेक्ट के ऊपर में पहले कभी भी इंटरैक्शन या डिस्कशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज ट्रेड आइडिया के तहत हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन को एशियन पेट के प्राइस चार्ट पर। एंड दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, ये जो की जा रही है, ये 25 जुलाई 2019 को मार्केट क्लोजिंग के बाद की जा रही है। एंड मुख्यतः बात यह है दोस्तों कि आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए किस तरह से हम चार्ट में पहले से अलर्ट सेट करके रख सकते हैं, ताकि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में एंट्री ले सकें। तो ये केवल एक ट्रेड आइडिया नहीं है दोस्तों, इस ट्रेड आइडिया के तहत ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही वक्त है एंटर करने का, और अगर सही वक्त नहीं है तो किस तरह से हम आगे के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट में जो भी प्राइस एक्शंस हुए हैं, फॉर्मेशन हुए हैं, इससे पता लगता है कि एशियन पेट फिलहाल मौका दे रहा है या शायद आगे में मौका देगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपके राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, अगर केवल सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए दोस्तों बेल आइकन को भी एनेबल करें, ताकि पर्पस फुलफिल हो सके, हर आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पर मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे अनुरोध किया जाता है कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर में। तो चलिए दोस्तों, हम प्राइस चार्ट के ऊपर में एशियन पेंट के डिस्कशन को चालू करते हैं दोस्तों। ये आप देखिए, एशियन पेंट लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पर चार्ट है, और इसे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखिए, यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, इस जगह पर रेजिस्टेंस था, एंड दोस्तों उसके बाद में इसने यहाँ सपोर्ट एक्ट किया और ये सपोर्ट एक्ट किया। तो अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो आज की डेट में ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, और इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ 23 जुलाई 2019 को, और ये डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। हम यहां देख सकते हैं, ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब दोस्तों, अगर आज की डेट में हम ट्रेंड एनालिसिस करें मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है SMA 233 के ऊपर में ट्रेड हो रही है, SMA 89 जो है वो SMA 233 के ऊपर है, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड दोस्तों बुलिश व्यू दर्शा रहा है। इसके अलावा हम देखें तो दोस्तों, EMA 21 ने, मैं इसे लार्ज कर देता हूं ताकि क्लैरिटी आ सके, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है, तो नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश नजर आ रहा है।
अब ये दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर चार्ट पर डिस्कशन क्यों कर रहा हूं। जैसा हमने शुरू में बोला कि हम दो मुख्य बातों पे इसमें डिस्कस करेंगे। पहला मुख्य बात ये होगा कि प्राइस एक्शन क्या दर्शा रहा है एशियन पेंट पे, और दूसरा कि दोस्तों हम अलर्ट कैसे सेट करेंगे ताकि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लेने में मिस ना कर जाएं। अब दोस्तों अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो मैंने ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जो एक की रेजिस्टेंस एरिया था। हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इस जगह रेजिस्टेंस लिया और यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब इसके प्राइस चार्ट को देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड में था इस जगह पे स्टॉक, इसने डबल बॉटम का यहाँ फॉर्मेशन किया था दोस्तों, बॉटम नंबर वन बॉटम नंबर टू। अब दोस्तों इस बॉटम का जो अपेक्स है वो ये है अपेक्स दोस्तों, और ये अपेक्स की वैल्यू है यहां दर्शाई गई है 1465। तो दोस्तों इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने पहला अलर्ट सेट किया था इस चार्ट के ऊपर में कि जब भी प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर में जाएगी तो मुझे चार्ट के ऊपर में अलर्ट मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों कल मुझे इसका अलर्ट मिला। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल ने 24 जुलाई 2019 को इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एरिया को ब्रीच करके क्लोजिंग बेसिस पे इसका ब्रेकआउट दिया। अब दोस्तों जब मैंने इसे कल चार्ट में एनालिसिस किया इवनिंग में तो मैंने ये देखा कि इसमें डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है, बिकॉज इसकी जो कैंडल की ओपनिंग है वो ओपनिंग इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे है। ऑफ कोर्स क्लोजिंग जो है इसके रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है, 1465 के ऊपर है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यस ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। अब नाउ क्या ये सही समय है इसमें एंटर करने का? तो दोस्तों इसमें दो व्यू पॉइंट हो सकते हैं। यस हम इसमें एंट्री कर सकते हैं क्योंकि आज जो कैंडल बनी है 25 जुलाई 2019 को, ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है क्योंकि इस कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। और साथ में हम ये भी एनालिसिस कर रहे हैं कि कल जब क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ तो सब्सटेंशियल राइज था वॉल्यूम में, हम सर्ज देख सकते हैं यहां पर एक सब्सटेंशियल राइज था वॉल्यूम में। अब दोस्तों इसमें दो व्यू पॉइंट इमर्ज होते हैं। एक व्यू पॉइंट ये इमर्ज होता है यस हम इस ट्रेड में, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और डिसाइसिव ब्रेकआउट आज हुआ है। लेकिन अगर हम गौर से देखें प्राइस तो मैं दोस्तों मेरे ओपिनियन से फिलहाल इसमें एंट्री नहीं लूंगा, और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं क्यों एंट्री नहीं लूंगा। अगर हम ये देखें तो पिछले चार दिनों से ये प्राइस राइज कर रही है एंड प्राइस बहुत ओवर एक्सटेंडेड है। कैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों ओवर एक्सटेंडेड है? हम देख सकते हैं जितने भी क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस हैं प्राइस बहुत अधिक दूर है। अब ये प्राइस अगर बहुत अधिक दूर है और प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और पिछले चार दिनों से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्राइस जब भी ओवर एक्सटेंडेड होती है तो दोस्तों एक प्राइस की टेंडेंसी होती है कि प्राइस में एक करेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कभी भी प्राइस पैराबोलिक मैनर में राइज नहीं कर सकती है। दूसरा कारण यह है दोस्तों अभी नहीं एंट्री करने का कि अगर हम देखें तो यहां पर इसका एक की रेजिस्टेंस आ रहा है और ये रेजिस्टेंस है दोस्तों 1522 से लेकर 1524 के पास। अब ये अगर की रेजिस्टेंस यहां पे आ रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नजदीक में है दोस्तों, तो यहां पर एंटर करने पर प्रॉब्ली रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ट्रेड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें स्टॉप लॉस ये स्विंग लो को लेते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 1360 के पास आता है, और ऊपर में रेजिस्टेंस हम देखें तो 1528 आता है।
प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है जैसा हमने डिस्कस किया, तो दोस्तों अब करना क्या चाहिए। और इसी जगह पे आती है कि यस, चार्ट का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, चार्ट में जो सप्लाई एरिया था उसको बीट करके प्राइस ऊपर चली गई है। इसका तात्पर्य यह है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड कर चुकी है, जैसा ये क्लियर होता है इस कैंडल से। 24 जुलाई 2019 की जो कैंडल है उसने जो ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पर, और हाई सर्ज इन वॉल्यूम है। टुडे अगेन वो कंफर्म करती है और डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इस लाइन के ऊपर में होती है। अब सिंस प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ये प्राइस ऊपर नहीं जा सकती है। हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें बहुत कम लेने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स में एक हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए पेशेंटली हमें इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ऑलवेज एक टेंडेंसी प्राइस की होती है दोस्तों कि जब भी ब्रेकआउट होता है, क्योंकि एक पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये एक बुलिश रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट है जो हम डबल बॉटम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि प्राइस हो सकता है इस जगह पे जाए ऊपर 15, 24, 25, 26 के आसपास और फिर रेजिस्टेंस लेके देन करेक्शन स्टार्ट हो। और करेक्शन जब भी स्टार्ट होगा दोस्तों, तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है 90% ऑफ द केसेस में कि जब प्राइस करेक्ट करती है तो पिछला जो ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसको उसने ब्रेक किया है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और उसे रीटेस्ट करने की एक टेंडेंसी होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने खींची है ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, और इस लाइन को रीटेस्ट करने के बाद कोई भी पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनेगा, जो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, वो एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, या फिर वन वाइट सोल्जर हो सकता है, बुलिश किकर हो सकता है। पैटर्न क्या बनेगा मुझे नहीं पता, और अदरवाइज पिन बार का फॉर्मेशन होगा। ये क्या आगे जाके होगा ये तो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बोल सकता, कोई भी ट्रेडर नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्राइस संभवतः बहुत जल्दी इसकी ऊपर जाके एक करेक्शन लेने की संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और अगर हम एक स्टीप ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन हम स्टीप ट्रेंड लाइन ऐसे खींचते हैं दोस्तों, ये मोर लेस 45, ये ट्रेंड लाइन का जो एंगल आ रहा है आप देख सकते हैं 60 डिग्री का एंगल आ रहा है दोस्तों। तो ये 60 डिग्री की जो लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग, तो ये अगर इसके बेसिस पे हम संभावनाएं देखें तो इसके ऊपर में सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर इसके ऊपर में सपोर्ट लेना चाहिए तो हम एक रफ तरीके से इसे निकालने की कोशिश करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये प्राइस ऊपर जाएगी और ऊपर जाके समवेयर यहां पे, अगर ये देखिए यहां क्रॉस सेक्शन है इस रेजिस्टेंस लाइन का और इस ट्रेंड लाइन का, इसे हम मार्क करते हैं। अब ये मार्क करने से दोस्तों ये डेट निकल के आ रही है 9th अगस्त के आसपास, आज हम 25 जुलाई को ये डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब संभवतः कुछ आने वाले समय में ये बहुत प्रबल संभावना हो जाती है कि ये प्राइस ऊपर में जाके रिट्रेस करे, इसमें पुल बैक हो और पुल बैक करके ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और एक रिवर्सल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्म हो, और या फिर इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक रेजिस्टेंस लाइन थी और ब्रेकआउट होने के बाद अब सपोर्ट लाइन बन चुकी है। सो ये 1416 लेवल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें दो अलर्ट सेट करेंगे दोस्तों। अब वो अलर्ट कैसे सेट करेंगे, पहला अलर्ट हम सेलेक्ट करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, और हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों
हम इसमें ये अलर्ट जो है अलर्ट के ऊपर में ऐड अलर्ट को सेट करेंगे, और ऐड अलर्ट करने के बाद हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये प्राइस ऊपर जाके जब भी रिट्रेस करती है तो इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए। तो हम यहां पर देखिए एशियन पेंट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सेलेक्ट किया, और इसमें ऑप्शंस हैं दोस्तों क्रॉसिंग डाउन। तो क्रॉसिंग डाउन पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और इसको क्या अलर्ट में सेट करेंगे दोस्तों, हम अलर्ट में सेट करेंगे ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब ये हम इस अलर्ट की कोई एक्सपायरी नहीं दे रहे हैं। एक्सपायरी इसलिए नहीं दे रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है कि ये रिट्रेस कब होगा और कब इसको टेस्ट करेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सो आई सेट एन अलर्ट जो ओपन एंडेड है। दूसरा, मैं इसमें सेट करता हूं कि मुझे ये एप्लीकेशन जो मेरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर में नोटिफिकेशन आना चाहिए जब भी ये इवेंट होता है, और इसमें पॉपअप आना चाहिए। दूसरा, मैं चाहूं तो मैं इसे, क्योंकि ये मेरा पेड सॉफ्टवेयर है तो इसमें मैं ईमेल की भी फैसिलिटी है, मैं ईमेल भी ले सकता हूं और एसएमएस भी सेट कर सकता हूं। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें साउंड प्ले होगा, और एसएमएस को भी मैं सेट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, एशियन पेंट डेली चार्ट, वन डे चार्ट क्रॉसिंग डाउन हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एनालिसिस के हिसाब से सेट की है जैसा दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया। तो अब ये अलर्ट को हम क्रिएट कर देते हैं। अब ये दोस्तों मैंने अलर्ट को क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है इस ट्रेंड लाइन पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में दूसरा अलर्ट सेट करेंगे दोस्तों। इसमें हम अलर्ट को ऐड करेंगे दोस्तों, और इसमें भी अलर्ट एशियन पेंट, और ये देखिए ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया हमने, और इस ट्रेंड लाइन को हम करेंगे क्रॉसिंग डाउन, और क्रॉसिंग डाउन करने के बाद बाकी सब है ओपन एंडेड, सेम क्राइटेरिया जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए डिस्कस किया। तो इसे हम अलर्ट क्रिएट कर देंगे। अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन को जो हमने खींचा है ये ट्रेंड लाइन आगे तक एक्सटेंड करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये अलर्ट तब तक ये इनेबल नहीं होगा, मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे करेक्ट किया और इस जगह पे टेस्ट किया और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेंड लाइन में जाएंगे, ट्रेंड लाइन की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, और ये सेटिंग में जाने के बाद हम इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट और यहां पर इसे हम इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों हम एक्सटेंड करेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का पर्पस ये है दोस्तों कि प्राइस ऊपर जाके जब भी करेक्ट करेगी तो इस ये ट्रेंड लाइन इस रास्ते में आनी चाहिए, इंटरवीन करनी चाहिए, ताकि जब प्राइस करेक्ट करके उसे टच करे तो जो अलर्ट हमने सेट किया है दोस्तों वो अलर्ट हमें मिलना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें अलर्ट हमने सेट कर दिया है, और ये अलर्ट यहाँ दिखा रहा है, इस लाइन पर अलर्ट सेट किया हुआ है, और इसके अलावा दोस्तों दूसरा अलर्ट जो सेट किया हुआ है ये यहाँ पर दोस्तों अलर्ट सेट किया हुआ है। अब दोस्तों ये मुझे नहीं पता है कि इन दोनों इवेंट में से कौन सा इवेंट पहले होगा। अब जब वो इवेंट होगा तो उस स्थिति में क्या होगी, तब तक ये मूविंग एवरेजेस की स्थिति बदल चुकी होगी। मोर ओवर जब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद जब ये प्राइस करेक्ट होके आएगी तो इस ट्रेंड लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के कुछ नीचे भी जा सकती है, या हो सकता है कि वो प्राइस इस जगह पे आके टेस्ट करे। मैं आपको एक और लाइन दिखा रहा हूं, तो इसको हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, तो ये हो सकता है संभवतः कि ये करेक्ट होके इस अगेन जोन में जाए, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है और इस जगह पे रेजिस्टेंस था, तो ये संभवतः ये 1465 से लेके
1398 के रेंज में इसका करेक्शन संभव है। और ये जब करेक्शन होने के बाद जब हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा उस समय पे रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल होगा। और अगर मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट करके वो रिवर्सल देती है उस वक्त पे हम इस मूविंग एवरेजेस, तब तक सिंस प्राइस ऊपर अगर जाएगी तो मूविंग एवरेजेस भी सर्टनली ऊपर जाएंगे और उस समय पे मूविंग एवरेजेस से प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं होगी। चलिए एक बार नजर हम सपोर्टिंग इंडिकेटर को देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों मोमेंटम बहुत अच्छा है आरएसआई के ऊपर में जो 60 के ऊपर है, बट 73.24 है जो ओवर एक्सटेंडेड दर्शा रहा है, जो प्राइस भी दर्शा रही है। इसके अलावा हम स्टॉकेस्टिक की बात करें तो ये भी ओवरबॉट एरिया में है। ऑफ कोर्स जब अप ट्रेंडिंग स्टॉक होता है तो कई लंबे दौरान तक वो ओवरबॉट जोन में होता है, बट प्राइस एक्शन भी ये सजेस्ट करता है दोस्तों कि आप देखिए ये लगातार ये है मूविंग एवरेज 21 एंड ईएमए 55 का कन्फ्लुएंसिंग एरिया और ये है एसएमए 89, तो ये एरिया से प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है और इस एक्सटेंडेड प्राइस में एंट्री एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को जन्म नहीं देती है और इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। बट ये हमारे वॉचलिस्ट में होगा, जब भी ये अलर्ट ट्रिगर करेगा हमने सेट कर दिया है, हमें पता लग जाएगा और उस समय हम इसे डेली वॉच करना चालू कर देंगे जब भी अलर्ट आएगा। और वो शायद दोस्तों एक मौका होगा इस अप ट्रेंडिंग स्टॉक का जिसने डबल बॉटम का डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि अलर्ट कैसे सेट करते हैं, मल्टीपल अलर्ट कैसे सेट करते हैं, अगर प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है तो हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए पेशेंटली कि कभी ना कभी ये मौका जरूर देगी। मुझे ये नहीं मालूम है ट्रेंड लाइन का अलर्ट पहले आएगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का अलर्ट आएगा या फिर प्राइस इसके अंदर पियर्स करके उसके बाद में कोई पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस से रिवर्सल इंडिकेट करेगी, आई डू नॉट नो, और या फिर इस काउंटर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, आई डू नॉट नो एब्सोल्युटली, मुझे नहीं पता है। बट यस, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की संभावनाओं को दर्शा रहा है और इसीलिए मैंने उचित समझा कि इसको आपके साथ शेयर करें, इस चैनल पे शेयर करें। तो दोस्तों चलिए मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट लगा इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन और ये आइडिया अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अगर ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया है, ये एनालिसिस आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक करें, थम्स अप दें एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में इसे शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सकें। एंड दोस्तों अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को भी एनेबल करना होगा ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।